take it back to the old school. Hey boys, welcome back to a brand new episode of Death Stranding. So ये है हमारा Death Stranding की सीरीज का लगभग नौवां पार्ट आई गेस। And as you know, पिछले एपिसोड में हमने अगला ऑर्डर ले लिया था एंड हम शायद ऑर्डर नंबर 13 पे अभी। So let's see आगे क्या होता है। एंड अभी तक देखा जाए तो हमने 13 ऑर्डर लगभग कर दिए थे, 13-14 आई गेस 14 ऑर्डर्स हो गए थे हमारे, 14th ऑर्डर मैंने उसके बाद कर दिया था एंड उसके बाद का हम आज आगे खेल रहे हैं। सो ऑर्डर नंबर 15 हम अभी जस्ट डिलीवर करने वाले हैं, अभी जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरा किया है। जस्ट बिकॉज वो जो पार्ट था वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, सो वो मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा स्किप कर दिया, बिकॉज वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, वो जस्ट एक नॉर्मल था, इजी सबमिशन था। सो तो आई होप तुम लोगों को अभी तक ये सीरीज पसंद आ रही होगी बहुत। एंड जैसा कि मैंने अभी तक वैसे इस गेम का देखा है ना, तो काफ़ी लंबी गेम है एक्चुअली, एंड स्टार्टिंग के कुछ घंटे तो है कि नॉर्मल ही है, मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो हम ऑर्डर नंबर 15 के लिए निकल चुके हैं अभी, हमें जाना है बीटी एरिया में। जो ऑर्डर नंबर 14 था वो मैंने जस्ट स्किप कर दिया, बिकॉज वो थोड़ा कह सकते हो तुम कि बोरिंग सा सेक्शन था, वो थोड़ा इजी सेक्शन था वो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्डर नंबर 15 से, तो निकलते हैं हम अपने जर्नी के लिए, तैयारी कर ले हम। कंटेनर रिपेयर्स पे गन भी स्पेड ऑन द कार्गो, क्लाइंबिंग एंकर है हमारे पास, लैडर है, ओके। ये ब्रिटिश के हेडक्वार्टर्स अवेंजर्स के हेडक्वार्टर जैसे है ना, नहीं अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स की बात ही अलग है। अरे इसमें तो फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में प्राइवेट रूम है एंड और बस ये फर्स्ट फ्लोर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर नहीं, नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर ही है। उसके बाद एक अंडरग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हमारा प्राइवेट रूम है, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं बेबी को, बीबी को अंदर रख के। अच्छा क्या तुम में से किसी को पता है कि बीबी का मतलब क्या एक्चुअली इसमें? मुझे सच में नहीं पता, आई गेस बॉटल्ड बेबी, एक बेबी जो बोतल में बंद है। सैम, डबल चेक द ऑर्डर समरी। आई थॉट कि वहाँ पे कुछ मिस कर दिया मैंने, ओके कोई बात नहीं। सो निकल पड़े हैं हम यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की ओर। पी 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 पी
Away my way, away my way, away my way, away my way. वे स्टेशन वेस्ट टू कैपिटल नॉर्थ सिटी. अभी हम यहाँ पे हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. कितना कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को. बेसिकली ये बहुत बड़ा मैप होगा जितना मैंने अभी तक चेक किया है ना. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि एक्चुअल में गेम है कितनी बड़ी है. जिन लोगों ने मतलब पूरी पार कर दी, हमने अप्रोक्सीमेटली 5-6, अभी हम एपिसोड 2 में हैं. ऑर्डर नंबर 14-15 है हमारा. तो पाँच घंटे की या 6 घंटे पे अप्रोक्सीमेट हो गई होगी हमारा जो गेम प्ले टोटल है सब मिला के. एंड आई गेस ये 50 घंटे की होगी कम से कम ये गेम. तो बहुत बड़ी गेम है यार ये, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को इसमें. डेस्टिनेशन हमारी 660 meters दूर है. ओके, अभी हम यहाँ से हैं. ओके, कैपिटल नॉर्थ सिटी से हम निकल गए हैं. हमें 4 कंटेनर डिलीवर करने हैं. ऑर्डर नंबर 13 हमारा हो गया था पिछले ऑर्डर में, मतलब हमने कैरी कर लिया था एंड उसके बाद मैंने वो कंप्लीट कर दिया था. वो इजी था एक्चुअली. आई गेस हमें इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैकेनिक्स बहुत सही है पता है इस गेम की. गेम प्ले में भी देखने में थोड़ा कभी कभी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं कि जो कुछ सेक्शन हो सकते हैं इसमें डल हो सकता है. बट बहुत ही जल्दी हम स्टोरी में और एंगेज होंगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो समझ नहीं आई. एंड इसकी स्टोरी खतरनाक है सच में. 570 meters के करीब जाएंगे बॉयस. मैं पहले ब्रिजेस का मेंबर नहीं था क्या अंकल? कितना सामान लाद रखा है फिर भी हमने. डेस्टिनेशन 300 meters लगभग और दूर है. आधा डिस्टेंस तो हम आ चुके हैं. ये गेम ना पता नहीं अपनी स्टोरी असली कब रिवील करेगी यार. वो बेबी वो प्रेसिडेंट वो फ्लैशबैक बेबी वाला बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग है. लाइक जैसे तुम कोई मूवी देखते हो ना ऐसी ऐसी फील आती है इसमें. जैसे तुमने शटर आइलैंड देखी है तुमने, तो उसमें क्या है ना, उसमें क्या होता है पूरी मूवी में तो मतलब होता है अरे स्टोरी क्या है क्या हो रहा है. लास्ट में जाके तुम्हें पता चलता है कि जो भी हुआ ऐसा कुछ था ही नहीं. वो 2 साल से वहीं पे जेल में बंद था. जो भी था उसकी इमेजिनेशन थी. और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कुछ आगे बम फूटने वाला कुछ तगड़ा स्टोरी में. बिकॉज मेयर शिफ्ट फ्रॉम जोर्ज पैटर्न सब्जेक्ट ब्रिज लिंक्स मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस. ओके, तो पुल बनाऊँ मैं या फिर तुम्हारे अपने तुम अपने ब्रिज की बात कर रहे हो. ब्रिज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रेन स्किलर प्राइवेट लिमिटेड. रिपेयर करने पड़ेगा क्या मुझे? ओके, डैमेज हो गए क्या ये?
आराम कर लेते हैं भैया थोड़ी देर। ओके ज्यादा रेस्ट नहीं करूंगा मैं, मेरे को जल्दी पहुंचना है ठीक है। ओके बीटी एरिया आ चुका है। ओके मतलब अब हमारी गंदी लगने वाली है। यहाँ पे होंगे बीटीस, वही काले काले भूत। डिफीटेबिलिटी एंड कंफर्म दैट काइरल क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस। ओके ओके यार ये गेम मतलब कितने भी तुम्हें डर लगे यार ये एनवायरनमेंट बहुत क्रिएट करती है मेरी, ये फटनी शुरू हो जाती है। ओ शिट यार आई फील दैट। अब देख लो मौसम एकदम से कैसा हो गया। तो अगर तुम खेलोगे ना तुम्हें तब पता चलेगा यार ये मतलब। बीटी को डिफीट कैसे करना है, अभी तक तो हम इससे बच के निकल जा रहे थे हर बार। हाँ अरे पाजी सामने ही हो, अरे सामने ही है, ये सामने ही है। वोरा 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 सेंट्रल फेंक के मारूं क्या? वो देख नहीं पा रहा ना अभी। मैं एरिया में तो वहां पे आ गया, देखते हैं इसे कैसे डिफीट होगा। ये अभी तक तो हम हर बार एस्केप कर जाते थे। ग्रेनेड से कुछ होगा क्या? अरे ग्रेनेड से मार सकता हूं मैं इसे, बट तो धुआं है, इसको क्या होगा ग्रेनेड से, मतलब ये तो विक्रम बेताल है। लेट्स सी, देखते हैं ट्राई करते हैं। एक मिनट ऐसी की तैसी। ओके मेरे को कंट्रोल्स तो समझ आ गए इसके। ये मर जाएगा शायद ग्रेनेड से मर जाएगा ये, इसको मारना ही पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे। ओह मर गया भाई, सच में मर गया। वाओ यस, अरे सच में पील दिया भाई, ग्रेनेड से मर गया वो सच में। दूसरे वाले को भी मार देता हूँ। ओके अभी हमें काइरल क्रिस्टल चाहिए, रुक जाओ मैं इसको भी मार के देखूँ क्या। बोरा बोरा बोरा, वैसे एक को ही मारना था अकॉर्डिंग टू मिशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। रुको मैं इसे भी मारूँगा। ओ भाई ये थ्रिलिंग हो रहा है। ओके काइरल क्रिस्टल हमने ले लिए। छोड़ो क्यों पंगे लेने हैं, मैं चलता हूँ यहाँ से। पता चले दूसरे को मारने के चक्कर में ऐसी तैसी हो जाए, एक को मार दिया ना बस वही था अपना मिशन, मतलब मिशन का एक पार्ट था। बीवी लुक्स हैप्पी, ओके सही है। हंस रहा है यार वो। ओके हम सेफ आई गेस यहाँ पे। अभी तो ग्रेनेड का कोई काम नहीं होगा। ओके लेट्स सुसु करते हैं गाइस, थोड़ा 848 ml इकट्ठा हो गया।
अब मैं होल्ड नहीं कर सकता इसे। अरे कितना ज़्यादा हो गया यार, अभी भी अबे 800 ml कौन सूसू करता है, 850 ml मतलब 1 लीटर के करीब, इतना सूसू कौन करता है भाई। रुक ही नहीं रहा। ओ शिट मैन, अरे कब से हमने इकट्ठा कर रखा था, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अरे सूसू भी करना है क्या? ओ मैन, ओके सॉरी, किडनी खराब हो जाएगी देखो सूसू नहीं करोगे तो। अबे कितनी देर से कर रहा है यार ये, शिट ओ नो, 150 ml और शायद मैंने पिछले कई दिन से सूसू नहीं किया। हमने पिछले कई मिशन से एक बार भी सूसू नहीं किया। ओ शिट, ये गलत बात है। लो उसी के ऊपर से निकल गया फिर से। अरे मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब ऑप्शन तो वहाँ पे आ रहा था बट मैंने सोचा ही नहीं कि सूसू करना भी ज़रूरी है, इस गेम में है ज़रूरी। ये क्या उड़ रहा है? पता नहीं, ऊपर से नीचे पत्ते गिरते हैं यहाँ पे, तो नीचे से ऊपर जा रहा है कुछ। कायरल क्रिस्टल दे दो मुझे। Give me my coral crystal. Give me my money. Hey boy, give me my money. All right, हम पहुंचने वाले हैं। Give me that cargo box. Okay, so, oh, भाई 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 गिराओगे क्या? एक और कार्गो, ये वाला भारी होगा। ओ भाई 92 kg हो गया, शिट मैन। ये अकेला डिब्बा जो था ये 32 kg का है। फक, अरे दिक्कत हो रही है बैलेंस करने में, करना पड़ेगा। अरे अरे हो जा, मेरे को कंट्रोल तो इसके समझ आ गया अच्छे से, मतलब आदत हो गई है, समझ तो पहले ही दिन आ गए थे। तब शुरू में वो प्रेसिडेंट भी नहीं, प्रेसिडेंट को जब अपने उसको बिठा रखा था वो 65 kg थी, तो हमसे वो भी बैलेंस नहीं हो रही थी तब तो। अब तो 92 kg भी लेके जा सकते हैं। देखो, मैं दौड़ भी सकता हूँ। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो पहुंच ही गए हैं लगभग हम अपनी डेस्टिनेशन पे।
ओके पहुंच गए हम ब्रिज में। अभी हम इसके अंदर घुसेंगे। वेपन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। लो भाई अपना सम्मान पकड़ो, तुम बहुत भारी हो रहे एक्चुअल में ये। अरे वेलकम के बच्चे, तू बैग पकड़ भाई मेरे, डिब्बे पकड़ अपने। ओके सो फाइनली हम टर्मिनल पे आ चुके हैं। 92 kg वेट उठा के, मतलब ग्रेट खली से कम थोड़ी हम। डिलीवरी पकड़ो भाई अपनी। कंफर्म, ये रहा तुम्हारा कार्गो। भाई साहब पैसे निकालो तुम्हारी डिलीवरी के। 5 star कर देना भैया, 5 star दे देना भैया डिलीवरी के। कैप्टन निक फ्यूरी। तो 15 orders हम पूरे कर चुके हैं अभी तक, और उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि स्टोरी क्या है। खुशी की बात है कि हमने 15 orders कर दिया, बहुत सारा खेल लिया। और दुख की बात यह है कि इन्होंने अभी तक कुछ स्टोरी क्लियर नहीं की है। ओ मैन, take out a BT using hematic grenades. Your order bhi pura nahi hua hai, abhi progress mein dikha rahe hai. Afterwards, bring the chiral crystals to Capital Knot's western district. 14th bhi abhi hamara progress mein hi hai. Okay, okay, okay. It's a lot to ask, I know, but I wouldn't if it wasn't important. Nahi, but ho gaya na, deliver kar to diya to. तो अभी हमें वहां पे जाना होगा, तब जाके ये पूरा होगा क्या? बिकॉज ये अभी एक्टिव ही दिखा रहा है ये ऑर्डर। एनीवेज अभी हम प्राइवेट रूम में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चिल मारेंगे, बीबी को बिठाएंगे। हो थक गए यार। सॉरी, तब तक हमारा चेकअप वेकअप करवा लेते हैं। यार इन्होंने मेरे को डिलीवरी बॉय बना के छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग सैम, ब्लड कलेक्शन कंप्लीट, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी। ब्लड बैग फिल्ड विद योर ब्लड हैज बीन प्लेस्ड इन द प्राइवेट लॉकर। ओके, क्या करो, क्या करूँ मैं उस खून का? ऑर्डर नंबर 14 अभी पूरा नहीं हुआ। ब्रिंग पोर्ट नॉट सिटी ऑन टू द करंट नेटवर्क। ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी इतना वेट उठा के आया हूँ, वो कम है। गपिलुंगिया मेरे उस्ताद, मेरा ऑर्डर तो पूरा करवा दे। आई गेस आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म कर देंगे।
इसे अगर हम नेक्स्ट पार्ट में खेल लेंगे ओके, बिकॉज मैं थक चुका हूँ बहुत सारे, हमने बहुत सारा वेट उठाया हमने आज, आज की वीडियो के लिए वैसे भी काफ़ी रहेगा लगभग हमें ओके 25 मिनट हो गए हमें। एटलीस्ट हमारे पास प्राइवेट रूम तो है, कम से कम रेस्ट तो मिल जाता है थोड़ा बहुत। ओके तो फिर गाइज ऐसे करते हैं आज के वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहीं पे मैं वीडियो गेम पोस्ट करता हूँ, यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।